रूबी झा के किचन में आप लोग का स्वागत है और बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से हो। ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आप लोग अच्छे से रहिएगा और अपने सेहत पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और उसी सेहत के लिए आप लोग के लिए आज हम बनाएंगे चावल, गुड़ और यहाँ पे तिल का लड्डू, जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही अमेजिंग है, किसी मिठाई से कम नहीं है। तो यहाँ पर में हम क्या क्या लेंगे तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलके बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो हम लोग बनाएंगे यहाँ पे चावल और गुड़ और तिल की लड्डू, बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में घुलने वाले। और उससे पहले आप लोग, आप सभी को हमारे पूरे फैमिली के तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। तो चलिए हम लोग मिलके बनाते हैं। तो आज यहाँ पे देखिए हम आप लोग के लिए क्या बनाएंगे। तो इस मकर संक्रांति हम आप लोग के लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग आप लोग के लिए यहाँ पर में हम यहाँ पर में तिल, गुड़ और यहाँ पर में चावल का आटा ले लिए। तो आज ये तीन चीज से बहुत ही अमेजिंग यहाँ पर में मिठाई बनने वाली है। तो आप इसको यहाँ पर मैं तिल, गुड़ और यहाँ पर मैं चावल का आटा का लड्डू भी कह सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम चावल आटा को भून ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम पैन चढ़ा लिए हैं और सबसे पहले यहाँ पर मैं हम चावल का आटा ले लिए हैं और इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से भूनेंगे। यहाँ पे इस तरह से हम भून लेंगे। गैस हम बिल्कुल यहाँ पर में मीडियम करके रखे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम हाई करेंगे तो फिर ये आटा जो है वो जल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में पूरे यहाँ पर में 10 मिनट हम आटा के चावल, यहाँ पर में जो चावल का आटा है हम उसको भून लिए हैं और अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको हम बर्तन में निकाल लें। अब यहाँ पे हम तिल भी भून लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इस तरह से इसको हम भूनेंगे और अब आप देख सकती हैं जो इसका जो यहाँ पर में जो तिल है वो यहाँ पर में थोड़ा सा फूल गया है। और अब यहाँ पर में हम अब इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। तो अब चलिए इसको भी हम बंद करके और एक प्लेट में निकाल लें। देखिए फ्रेंड्स, हम वापस से उसी पैन में गुड़ डालेंगे और यहाँ पे हम गुड़ का पाक बनाएंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे हम कटोरी से, एक कटोरी से भी कम पानी ले लिए हैं और अब हम इसको इस तरह से हम चलाएंगे। गैस यहाँ पे हम हाई कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें कितना यहाँ पर में बढ़िया से देखिए उबाल आ चुका है यहाँ पे बबल्स। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया इसमें बबल्स आ चुका है और यहाँ पर में हमको कोई तार नहीं बनाना है इसमें। और यहाँ पर में हमको सिर्फ यहाँ पर में थोड़ा सा यहाँ पे चिपचिपाहट हो तो इसी तरह का हमको बनाना है। इस तरह से देखिए, तो आप देख सकती हैं इस तरह से ये हाथ में चिपक जा रहा है एक दूसरे में, तो इसी तरह का हमको बनाना है। इसमें कोई तार नहीं, हमको बिल्कुल जो हम तिल गुड़ का जो पाक बनाते हैं उस तरह का हमको नहीं बनाना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे तो गैस बंद कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे बाउल ले लिए हैं और अब यहाँ पर मैं भुना हुआ आटा डाल देंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं आटा, हम 200 ग्राम आटा ले लिए थे और अब यहाँ पर मैं हम इस जगह पे भुना हुआ तिल डाल देंगे। यहाँ पे हम भुना हुआ तिल डालेंगे। और अब यहाँ पर मैं हम नारियल, जो यहाँ पर में हम नारियल को क्रश कर लिए हैं, सूखा नारियल लेके और यहाँ पे हम इसको कद्दूकस में क्रश कर लिए हैं। अब यहाँ पर में कूटा हुआ इलायची पाउडर हम डाल देंगे और थोड़ा सा हम पीसा हुआ केसर डाल दिए हैं। ये ऑप्शनल है, आपको डालना है डालिए, नहीं तो मत डालिए। यहाँ पे थोड़ा सा हम किशमिश ले लिए हैं और इसको हम इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। जब इस तरह से आप लड्डू बनाएंगी, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी बहुत ही चाव से खाएंगे और मांग के खाएंगे। तो इस मकर संक्रांति आप ज़रूर बनाइएगा। अब यहाँ पर मैं देखिए जो गुड़ का हम यहाँ पे चाशनी बनाए हैं तो हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे, एक बार में हम नहीं डालेंगे। तो पहले हम इसको इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे यहाँ पे।
यहाँ पे देखिए इस तरह से हम मिक्स करेंगे और अब यहाँ पे हम चम्मच हटा देंगे और हाथ के सहारे इसको हम मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर हम हाथ नहीं लगाएंगे तो फिर लड्डू कैसे बनाएंगे आप लोग के लिए। तो यहाँ पे हम इस तरह से अब मिक्स करेंगे और यहाँ पे लड्डू बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हुआ है। यहाँ पे हम 2 चम्मच चाशनी और डालेंगे इस तरह से, और अब इस तरह से हाथ से वापस से इसको हम मिला लेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे थोड़ा सा घी भी डालेंगे, ये देसी घी है तो हम बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें घी भी ऐड करेंगे। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और लड्डू में जो है वो शाइनिंग बरकरार रहेगा। तो अब यहाँ पे देखिए मिक्स कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस तरह से लेके और यहाँ पे हम लड्डू बांधेंगे। यहाँ पे देखिए हम हाथ में कोई घी नहीं लगाए हैं, हम थोड़ा सा यहाँ पे हाथ साफ कर लिए हैं और अब आप देख सकती हैं इस तरह से हम लड्डू बना लिए हैं। और इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, तो दूसरा वाला भी लड्डू हम इसी तरह से बनाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम लड्डू बना लिए हैं। देखिए बिल्कुल किसी को पता नहीं चलेगा ये चावल और यहाँ पर में तिल गुड़ का लड्डू है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम लड्डू बना लिए हैं। अब इसी तरह से हम सारा लड्डू बना लेंगे और यहाँ पे इस तरह से हम प्लेट ले लिए हैं और प्लेट में हम यहाँ पर में सर्व कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप लोग के लिए यहाँ पर में चावल और तिल और गुड़ का लड्डू बनके तैयार हो चुका है। इस मकर संक्रांति आप ज़रूर बनाइए और यहाँ पर में आप गारंटी के साथ हम कह रहे हैं, जो आप जिसको भी खाने के लिए देंगी तो दोबारा ज़रूर कहेगा जो बहन आप किस चीज़ का बनाई है, हमको फिर से बना के खिलाइए। और बच्चे तो बच्चे, बड़े भी यहाँ पर मैं आपसे मांग मांग के खाएंगे जो किस चीज़ का लड्डू बनाई थी। तो इस मकर संक्रांति आप ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को, यहाँ पर मैं रूबी झा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और नीचे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। तक तो यहाँ पर मैं हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं, जो देखिए कितना यहाँ पर में आप देखिए सॉफ्ट लड्डू, यहाँ पर में मुंह में घुलने वाली लड्डू आप लोग के लिए तैयार है। तो यहाँ पे देखिए तिल गुड़ और चावल से यहाँ पर में कितना बढ़िया यहाँ पे मार्केट वाली मिठाई बनके तैयार है, आप इसको मिठाई ही कह सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये यहाँ पर में लड्डू वाली रेसिपी अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके उतना अपने दोस्त अपने रिश्तेदार में शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे इसी तरह एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टिके बाय बाय। वीडियो एंजॉय करिए, हैप्पी रहिए और आप भी बनाइए और अपना अनुभव आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए।